गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा आई लव छत्री। सो आज सबके लिए मतलब सॉरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय डियर एफबी एंड यूआईटी फ्रेंड। और आज है तो मकर संक्रांति, सो हम लोग बनाने वाले हैं थोड़ा कुछ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और इतना बारिश आ रहा है, माय गॉड पता नहीं क्या होगा। मैं आप सबको कैसे बारिश आ रहा है दिखा रही हूँ, ये कैसा बारिश हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप उप कर लूँगी, सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद मंदिर चलूँगी। बारिश जब छूट जाएगा तब आप सबको भी अगर लेके जाऊँगी तो मोबाइल आप सबको दर्शन करवा दूँगी, अगर नहीं लेके जाऊँगी तो नहीं करवाऊँगी। हे गाइस, सो पानी छूटेगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ पूजा जो घर के हम लोगों का मतलब डोर के ऊपर में है और घर बना रहे हैं। तो अभी टेंपल नहीं है, मंदिर नहीं बनाया है, तो यहीं पे पूजा करते हैं सब, माँ भाभी सब यहीं पे पूजा करते हैं। और मैं भी यहीं करके सीधा जा रही हूँ मंदिर। तो मैं आ गई मंदिर, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास में ही है। और मतलब बाबू देखिए इधर से उधर भटक रहा है, ये भटकू पूजा करने का टाइम में शांति से। और ये कैमरामैन बहुत ही ख़राब है, कैमरा घिसक करके बैठा है, कैमरा को इधर भगवान को दिखाना चाहिए तो मुझे दिखा रहा है, क्या करें। होता है, चलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मैं पूजा करके अभी जाऊंगी घर। हम लोगों का घर पास में ही एकदम नज़दीक है मंदिर से। आप सब भी देखिए पूजा करने का कर रही हूँ मैं। और बाबू भी मतलब मुझे भी दीजिए कर रहा था, तो उसको मना किया मैंने, तो मैंने ही मुझे उससे पूजा करवा दिया उसको धूप काठी लेके। अभी पूजा करना ख़त्म हो गया मेरा, पूजा करना। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब पास में ही एकदम नज़दीकी हम लोगों का घर। सो मैं थाली के लिए पी आगे को लेके पास में ही है। सो अभी मैं चलती हूँ घर और बाबू का सबको दिखा देती हूँ। हाय, नमस्ते बंदू, नमस्ते। पूजा करके आ गई और पूजा करने के बाद अभी मैं चाय पीऊँगी। सुबह से एक बार भी नहीं पी थी चाय, मतलब कितना बार पीती हूँ मैं चाय नहीं पीती, क्योंकि पूजा करना था मुझे। और पूजा करने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब मुँह में नहीं डालती हूँ चाय हुई। चाय पीना तो कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि बाहर इतना हल्ला हो रहा है, आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे लोग, माय गॉड। मतलब उन लोगों को ही लगा है। और हम लोगों का बाबू तो कब से, मतलब हम लोग तो 4 बजे ही उठे थे, 4 बजे उठ के मैं तो 4 बजे नहीं नहाई, बाकी सब 4 बजे नहा लिया सब ने, माँ भाभी सब ने नहा लिया एक एक करके। मैं तो 7 बजे गई नहाने के लिए, बहुत ठंडा लग रहा था मुझे। और बाबू अभी भी बोल रहा है नहा दीजिए, मतलब 4 बजे से जिद लगा के बैठा है, वो नहाएगा तो नहाएगा। अभी उसको जाके नहला दूँगी मैं सभी को, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। सो सबको मैंने नहला दिया, इतना ठंडा में गर्म पानी करके इन सबको नहला दिया। अभी सबको नहलाने के बाद कपड़ा उपड़ा पहना दूंगी, उसके बाद सीधा चलूंगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और देखिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी, नाउ आई एम कमिंग टू कुकिंग। थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा हो गया, सॉरी, नहीं आता है, बट ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पूरी, और पूरी मतलब बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा मौसम में खाने के लिए, चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है। देखिए पूरी मेरा कितना सुंदर से बनाया है, देखिए ये देखिए मैं अभी बना रही हूँ नीमकी। आपको किसको किसको बनाना नहीं आता है, प्लीज़ आ जाइए, मतलब सीख लीजिए कैसा कटिंग करते हैं, मुझे भी नहीं पता था, भाभी ने सिखा दिया मुझे। ये देखिए मेरा नीमकिन कटिंग स्टाइल। और अभी हम लोग बनाएंगे लड्डू, मतलब बहुत ही सारा बनाना है, थोड़ा बना के रखे हैं हम लोग, क्योंकि सबका घर में देना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सब देते हैं तो हम लोग भी देते हैं। देखिए ये तिल का लड्डू है, हम लोगों ने बनाया, मैंने भाभी ने माँ ने सब मिल के बनाया। तिल का लड्डू तो आता है बनाने के लिए। और ये है नमकीन, भाभी ने बनाई है। और ये कोकोनट, ये ग्राइंडर करके मतलब रखा है, छील के रखा है। और ये है टकोने, नेपाली में हम लोग बोलते हैं। अभी बनाएंगे कोकोनट का लड्डू।
ये मम्मी ने लगा दिया है क्योंकि लगाते हैं। और ये देखिए घर मीटिंग सिंग सारा लग गया है, बहुत काम बचा ही है। अभी अभी मुझे बड़ी मम्मी ने बुलाया है, वहाँ पे जाके आते हैं। चलिए अंक आगे, बड़ी मम्मी घर, ये है बड़ी मम्मी का घर और ये है मेरी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी ने मतलब मुझे टीका लगाने के लिए बुलाया था संक्रांति, मतलब ये माघ बिहू के जो दिन होते हैं संक्रांति नेपाली में हम लोग बोलते हैं, तो वो दिन सब बेटिया को लगा देते हैं टीका। बड़ी मम्मी ने मतलब ये लगाने के लिए बुलाया था मुझे, तो अभी मैं जा रही हूँ घर। मैं आ गई घर और पहले हम लोग पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद और भी बहुत कुछ बनाना है। मतलब मैं ये वीडियो रात तक कंटिन्यू करूँगी, आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। और यस, मुझे यूट्यूब में जो जो कमेंट करता है उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए। और चलिए पहले मैं नाश्ता कर देती हूँ, उसके बाद और भी ज़्यादा और भी कुछ कुछ बनाना है, सो आप सबको दिखाती रहूँगी मैं। और भी बहुत ज़्यादा बनाना है, तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हम लोग बना रहे हैं कोकोनट का मतलब लड्डू, कोकोनट का लड्डू बनाएंगे। सो ये मतलब पूरा वाटर था इसमें, सो वाटर मतलब हम लोगों ने उसको गर्म नहीं किया था, तो मतलब पूरा वाटर निकल गया है। ये देखिए पूरा वाटर निकल गया, सो ये सब अभी फट जाएगा जैसा लग रहा है मुझे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। कोकोनट का ये कभी नहीं बनाया था, मतलब सीखा भी नहीं है, यूट्यूब में अगर देखते तो सीख लेते बट नहीं देखा। अभी इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद करेंगे मतलब बनाएंगे। तो प्लीज़ आप सब बताइए इसको कैसे बनाते हैं, मुझे तो नहीं आता है, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छा बन जाए प्लीज़। और कोई नहीं, सो बन गया। मतलब सुबह से हम लोग 7 बजे से बैठे थे, अभी बज गया है 2 बजने वाला ही है, 1:30 हुआ है, मतलब 1:30 होके भी पार हो गया है, 2 बजने वाला है, तो इतना टाइम लग जाता है ये सब बनाने के लिए, माय गॉड। सो मैं वीडियो कंटिन्यू करती रहूँगी। और हाँ, अभी तो आफ्टरनून हो गया है, गुड आफ्टरनून, सो वीडियो कंटिन्यू है, आप सबको बाद में मैं दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ क्या नहीं। नहीं है, बाबू भी सो रहा है, ये देखिए बाबू सो रहा है। और अभी मतलब खाने के लिए बुलाया है फूफी को, और दी सब आई हुई है, और मेरी प्रिंसेस आई हुई है, अभी नहीं दिखा पाऊँगी, मतलब वो घूमने के लिए गई है। मैं वीडियो यहीं तक क्लोज कर रही हूँ, और कुछ तो खास नहीं है, जो भी दिखाया वही है, सारा दिन का मैंने जो किया वो दिखाया आप सबको। और प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज़। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।